चलिए आज हम लोग जानेंगे कि इन्वर्टर फ्रिज के अंदर गैस कैसे चार्ज किया जाता है। तो गैस चार्ज करने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है और इसके अंदर एनआरबी वाल्व कैसे लगाए जाते हैं, जो चार्जिंग लाइन होती है ना उसके अंदर एनआरबी वाल्व कैसे लगाए जाते हैं, सब कुछ इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। और इसके बाद गैस को कैसे चार्ज करते हैं स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल हम क्या करेंगे बताएंगे। तो चलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गैस चार्ज करने से पहले समझ रहे ना, यहाँ पर हमने कुछ सामान ले लिया है समझ रहे। तो हम आज वैक्यूम करके इसके अंदर प्रेशर नहीं भरेंगे, सिर्फ वैक्यूम करके हम क्या करेंगे गैस चार्ज करेंगे। तो इसके लिए आपका एक वैक्यूम पंप होगा समझ रहे ना। और इसके बाद देख रहे हैं कि हमारी R600 गैस है जो कि इस फ्रिज के अंदर पड़ने वाली है ठीक है। तो इसको भी हम क्या करेंगे इसके अंदर डालने वाले हैं ठीक है। और इसके बाद एनआरबी वाल्व लगाने के लिए यहां पर देख रहे हैं कि हमारे पास ही गैस का सिलेंडर है और इसका वेल्डिंग गन है समझ रहे। इसके ऊपर लगा करके इससे हम क्या करें वेल्डिंग करके चीजों को क्या करेंगे निकाल लेंगे और यहां पर एनआरबी वाल्व लगा लेंगे ठीक है। और हमारे पास आप देख रहे हैं यहां पर कुछ एनआरबी वाल्व भी दिखाई दे रहा है जो कि इसके अंदर हम लगाने वाले हैं ठीक है। तो इन सारे चीजों की यहां पर देखिए नोज प्लायर हो गया, प्लायर हो गया और ये आप देखेंगे कि ब्रिजिंग रॉड है। और इसके बाद यहां पर हमने आपका क्या हो गया क्लैंप मीटर हो गया। और इसके बाद देखेंगे गैस जिससे हम भरेंगे, जिससे देखेंगे कि इसके अंदर कितना पीएसआई का हमें गैस भरना है। तो उसके लिए हमने कंपाउंड गेज का प्रयोग किया है और इसके अंदर दो चार्जिंग पाइप का भी इस्तेमाल किया गया है ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं कि पूरे गैस का पूरा प्रोसेस जो होता है उस सबको आपको बताते हैं किस प्रकार से गैस चार्ज किया जाएगा ठीक है। तो चलिए इन सारी चीजों को हम एक तरफ रख देते हैं और यहां पर आप देखेंगे तो हमारा इन्वर्टर फ्रिज का जो बैक वाला साइड है ना, देखिए ये बैक वाला साइड है, इसको हम खोलते हैं ठीक है। हम क्या करेंगे खोलेंगे। तो जब इसको आप खोलेंगे गैस चार्ज करने के लिए ना, तो यहां पर आपको दिख रहा है कि पीछे जो ट्रे होगा समझ रहे ना। तो गैस चार्ज कर रहे हैं तो इस ट्रे को अगर आप निकाल लेंगे तो काफी कंफर्टेबल होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं कि यहां से इस ट्रे को बाहर की साइड में निकाल लेते हैं ठीक है। तो यहां पर कुछ स्क्रू होंगे, इस स्क्रू को हमें क्या करना होगा स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से यहां पर हमें खोल लेना होगा ठीक है। तो चलिए यहां से हम फटाफट इसको ट्रे को बाहर कर लेते हैं जिससे क्या होगा कि इसके अंदर थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा ठीक है। तो देख रहे हैं कि हमने ट्रे को बाहर कर लिया और जब आप ट्रे को बाहर कर लेंगे तो इसके अंदर पूरा स्पेस मिल गया ठीक है। इसके बाद यहां पर आप देख रहे हैं कि इसकी जो डब्बा दिखाई दे रहा है ना, इसके अंदर इस डब्बे में पीसीबी भरी हुई है ठीक है। तो इस पीसीबी को हम यहां से खोल करके थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं। चलिए यहां से हम क्या करते हैं फटाफट इसको खोलते हैं, यहां से खोल करके और इस डब्बे को हम बाहर की साइड में निकाल लेंगे ठीक है। ठीक है, अब देखिए यहां पर पहले से एनआरबी वाल्व लगा है, यहां पर पहले से हमारे एनआरबी वाल्व क्या है लगा है इस, और लेकिन ये हमारा एनआरबी वाल्व किसी ने इसको पंच कर दिया है, यानी किसी लड़के ने यहां पर क्या कर दिया इसको दबा दिया है। तो यहां से देखिए पूरी तरीके से हमारा पंच हो चुका है ठीक है। तो इसको हम काटेंगे और यहां से हम इसको निकालेंगे और फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे नया एनआरबी डाल करके और वैक्यूम करके गैस को पूरा चार्ज करने वाले हैं ठीक है ना। तो यहां पर आप देखिए सबसे पहले इसको निकालने से पहले ना इसके अंदर हमें श्योर हो जाना है कि इसके अंदर गैस है कि नहीं है समझ रहे ना। कोई भी फ्रिज के अंदर जब हम काम करने जाएंगे तो सबसे पहले यदि यहां पर आप देख रहे हैं इसकी उसकी जो चार्जिंग लाइन रहेगी उसकी क्या रहेगी चार्जिंग लाइन रहेगी, यदि वो पंच है तो इसका मतलब किसी ने उस पे गैस चार्ज नहीं किया है। यदि पहले से एनआरबी वाल्व लगा है तो इसका मतलब किसी ने उस पे गैस चार्ज किया है। तो यहां पर आप देख रहे हैं पहले से एनआरबी वाल्व लगा है तो हमें क्या करना होगा कि इसके अंदर जो पिन होगी ना इस पिन को दबा देंगे जिससे इसके अंदर की जो गैस होगी वो निकल जाएगी ठीक है ना। हमें तो अपना काम है करना इसके अंदर गैस हो या न हो, लेकिन हमें इस प्रोसेस से बिल्कुल गुजरना होगा नहीं तो आगे बड़े हादसे होने के क्या होंगे चांसेस होंगे ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इसका जो कवर था ना इस कवर को हम यहां से क्या करेंगे ओपन करेंगे। देखिए यहां से हम इसके पिन को खोल करके क्या करने वाले हैं निकाल लेंगे। अगर पिन को खोल के आप नहीं निकालेंगे तो इसके अंदर गैस होगी तो आगे के प्रोसेस में दिक्कत हो सकता है समझ रहे ना। इसीलिए हमें क्या करना होगा कि इसके अंदर जो पिन लगी है इसको फटाफट हम ऐसे ओपन कर लेते हैं और इसको बाहर की साइड में निकाल लेंगे समझ रहे हैं। देखिए तो हमारी पिन बिल्कुल बाहर आ चुकी है और देखेंगे ध्यान से यहां पर ज्वाइंट पे देखेंगे ना तो थोड़ा सा लीक यहां पर गैस इसलिए निकली हुई दिखाई नहीं दी क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं बिल्कुल पंच हो चुका है और यहां से हमारे धीरे धीरे करके इसके अंदर से जो गैस थी वो बाहर की साइड में निकल चुकी है। वरना यदि आप पिन यहां से निकालते ना तो गैस यहां से 100% निकलती समझ रहे ना, लेकिन हमारी गैस लीक हो चुकी है तो इसको हम क्या करेंगे काट करके पहले निकालेंगे फिर इसका वैक्यूम करके गैस को हम चार्ज करने वाले हैं ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं सर्वप्रथम यहां पर वेल्डिंग गन के माध्यम से इसको गर्म करेंगे, उससे पहले हम इसको थोड़ा सा सीधा करने का कोशिश करते हैं ठीक है। यदि हम सीधा करेंगे तो देखिए यहां पर होल आपको दिखाई देने लगा, इसीलिए इसकी पूरी गैस जो सिस्टम की जो पूरी गैस है ना वो हमारी क्या हो गई थी बाहर हो गई थी ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं कि इसको यहां से काट करके या तो वेल्डिंग गन के माध्यम से गर्म करके इसको अलग करते हैं ठीक है। तो हम चलिए इसको निकालते हैं, सबसे पहले हम गैस सिलेंडर लेंगे और वेल्डिंग गन होगा ठीक है, इसके ऊपर हम इस प्रकार से इसको
लगा देंगे, ठीक है। और हमारा बिल्कुल लग चुका है, अब यहां से हम इसको गर्म करके ये जो पॉइंट होगा ना यहां से बाहर कर लेंगे। लेकिन गर्म करने से पहले इसका जो टर्मिनल है ना कंप्रेसर के अंदर जो लगा इस वायरिंग को थोड़ा अलग कर लेते, नहीं तो गर्म होगा तो पिघलने के चांसेज होंगे, ठीक है। और नीचे जो अर्थिंग का वायर है ऐसे ही हम दबा देंगे, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा कपड़े का भी इस्तेमाल करेंगे, समझ रहे हैं। यहाँ पर आपका भीगा हुआ क्या होना चाहिए, कपड़ा होना चाहिए, इसको हम सीधे यहाँ पर लगा लेंगे और थोड़ा सा इस टर्मिनल को भी हम लगा लेंगे, ठीक है, ऐसे हल्का सा लगा लेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा ये टर्मिनल गर्म नहीं होगा जो कि इसके अंदर लगा हुआ है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं। देख रहे हैं ना ये ज्वलनशील गैस है, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर आग वगैरह निकल रहा है, तो यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है, समझ रहे ना। तो देखिए हमारा ये बिल्कुल गर्म हो चुका है ज्वाइंट, तो इसको हम थोड़ा सा प्लायर के माध्यम से ऐसे निकालते हैं। देखिए ये हमारा निकल चुका है, लेकिन यहाँ पर ज्वलनशील गैस है तो देख रहे हैं यहाँ पर आग भी लगने के चांसेज है, क्योंकि हल्का हल्का इसके अंदर अभी गैस का अंश है, ठीक है। तो इसको हम कपड़े से क्या करेंगे, ऐसे दबा करके निकाल लेंगे। अब हमारा यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ज्वाइंट निकल चुका है, देख रहे हैं ना, हमारा ज्वाइंट निकल चुका है यानी जो पहले से लगा हुआ था, ठीक है। अब इसको हम कपड़े से थोड़ा सा ठंडा कर देंगे। देख रहे हैं तो ज्वलनशील गैस है, तो यहाँ पर देखा गया कि यहाँ पर आपको रिस्क ऑफ फायर, यहाँ पर आपका आग का इस्तेमाल नहीं करना है, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा बहुत इसका अंश था, तो जिसके वजह से गैस हमारी वहां से क्या हो रही थी, निकल रही थी। तो देखिए यहाँ पर हमें एनआरबी वाल्व को क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से हम थोड़ा सा क्या करेंगे कि इसको हीट कर दिया है, और यहाँ पर हम इस टर्मिनल पे थोड़ा सा वेल्डिंग राड को लगाएंगे। इधर करो, इधर इस साइड करो, इस साइड ये सीधे हमारा पिघल करके। तो देख रहे हैं ना यहाँ पर हमारा ज्वाइंट बिल्कुल हो चुका है, एनआरबी वाल्व यहाँ लग चुका है। तो थोड़ा सा हमारा यहाँ पर जुगाड़ करना पड़ा, क्योंकि जब हम इसको लगा रहे थे ना, इसी डब्बे को जब हम लगा रहे थे तो यहाँ जगह नहीं मिल पा रही थी, जिसके वजह से हमारा ये क्या हो गया था, टेढ़ा हो गया था, समझ रहे ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमने इसको एडजस्ट करके लगाया है, और यहाँ पर देखिए कि अब डब्बा भी हमारा लग जाएगा और एनआरबी वाल्व भी हमारा बिल्कुल सेफ बचा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम पहली बार जोड़े थे ना, तो यहाँ तक ही था, जिसके वजह से हमारा पहले बार भी मुड़ गया था, जब हम ज्वाइंट कर रहे थे उस टाइम भी मुड़ गया था, ठीक है। तो इसको हमने बिल्कुल स्पेस देकर, देख रहे हैं ना, इधर हमारा डब्बा भी लग जाएगा, पीछे का जो पीसीबी रहेगी यहां पर सेट हो जाएगी, और ये हमारा भाग सीधे आपको दिखाई यहां पर दे रहा है, ठीक है। अब मुड़ने के चांसेस हमारे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जब इस डब्बे को निकालना होगा तो पहले अंदर वाले हिस्से को हम निकाल करके थोड़ा सा ऐसे बैक कर लेंगे, और यहां से सीधे हम पीछे की साइड में निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए अब हमारा एनआरबी वाल्व इसके अंदर लग चुका है, जैसा कि हमने कहा था कि वैक्यूम करके हम गैस चार्ज करेंगे ना, तब हमें क्या करना होगा, इसका वैक्यूम करना होगा, ठीक है ना। तो चलिए अब देख रहे हैं कि हमारे पास एक वैक्यूम पंप है, समझ रहे ना, ये हमारे पास क्या है, वैक्यूम पंप है। अब इसी से हम क्या करेंगे, इसका वैक्यूम करेंगे। तो वैक्यूम पंप को हम नीचे की साइड में रख लेते हैं, और इन सामानों को थोड़ा सा हम हटा लेते हैं, समझ रहे ना। देखिए इन सामानों को हमने क्या कर लिया, हटा लिया, और इसके बाद हमारा एक पावर बोर्ड है, देख रहे हैं ना, हमारे पास एक क्या है, पावर बोर्ड है, इसी को हम इसके अंदर लगा करके इससे वैक्यूम करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद हमें इसके अंदर पाइप जोड़ना होता है, देख रहे हैं ना, हमें क्या करना होता है, पाइप जोड़ना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक कंपाउंड गेज है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, इसका इसी से वैक्यूम करके और फिर हम इसमें गैस चार्ज कर देंगे, ठीक है। तो इसके पाइप को जोड़ने के लिए, तो जो कंपाउंड गेज के सुई के सामने वाला पॉइंट होता है ना, जो चार्जिंग पाइप लगती है, इसको सीधे हमें जो कंप्रेसर की जो चार्जिंग लाइन रहेगी उसके अंदर इस पॉइंट को हमें क्या करना होगा, जोड़ देना होगा, समझ रहे ना। जोड़ने से पहले देखिए इसी जगह लोग गलती करते हैं, जोड़ने से पहले जब हमने एनआरबी वाल्व को लगाया था ना, तो इसके अंदर ये जो पिन थी इसको हमने बाहर के साइड में निकाल लिया था, समझ रहे ना। तो अगर हम यहाँ पर इसको नहीं लगाएंगे तो पता चलेगा इसके अंदर डायरेक्ट अगर आप गैस भर देंगे तो यहाँ से पाइपों को पंच करना पड़ेगा, जिसके वजह से यहाँ पर थोड़ा रिस्क भर जाएगा। अगर पंच करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारी ज्वलनशील गैस है, देख रहे ना क्या है, ज्वलनशील गैस है। तो बाद में पंच करने के बाद हमें वेल्डिंग करना पड़ता है, समझ रहे ना। तो अगर यहां पर हम गैस भर करके अगर वेल्डिंग करेंगे तो काफी रिस्क होगा, ठीक है। तो इसीलिए वैक्यूम करने से पहले या प्रेशर चढ़ाने से पहले हमें जो एनआरबी पिन हमने बाहर निकाला है ना, इसको हमें लगा लेना चाहिए। लगाने के लिए सिंपल सा होगा, ऐसे हम इसको अंदर की साइड में डालेंगे, ठीक है। अंदर की साइड में हम क्या करेंगे, इसको डाल करके और इसके ऊपर का जो एक कवर होता है, देख रहे ना, इसको इसके पीछे लगा करके, देख रहे ना, इसके पीछे लगा करके और हमें इसको टाइट कर देना होगा, समझ।
देख रहे ना, अब इसके अंदर एनआरबी पिन हमारी क्या है, लग चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि इस कंपाउंड गेट का जब कनेक्शन करेंगे ना, तो ये जो चार्जिंग पाइप के सामने वाला जो पॉइंट होगा, देख रहे ना, चार्जिंग पाइप के सुई के सामने वाला जो पॉइंट होगा, ये हमारा सिस्टम के कंप्रेसर के चार्जिंग लाइन में लगेगा। और इसको लगाते वक्त हमें ध्यान देना कि इसके अंदर पिन लगी होनी चाहिए, समझ रहे। अगर ये पिन नहीं लगेगी तो ये पिन को दबाएगी नहीं एनआरबी वाल्व के अंदर, अगर ये पिन को दबाएगी नहीं तो इसके अंदर गैस वगैरह हवा वगैरह न जाएगी, न तो आएगी न तो गैस जाएगा, ठीक है। तो इसको हमें देख करके बिल्कुल लगाना चाहिए। तो अब यहां पर हम क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, देख रहे हैं ना। तो यहां से आपने देखा कि हमने इस पाइप को जोड़ दिया है, यानी यहां से इस वाले पाइप को हमने इसके अंदर जोड़ दिया है, और जो हैंडल के सामने वाला जो पाइप होगा, समझ रहे हैं ना, हैंडल के सामने वाला जो पाइप होगा उसको हम इस वैक्यूम पंप के अंदर लगाएंगे। तो वैक्यूम पंप में यहां पर देख रहे हैं कि थोड़ा सेफ्टी कवर दिया होता है, तो इसको खोल करके और इसके अंदर जो चार्जिंग पाइप का हिस्सा, इसके अंदर चार्जिंग पाइप को कैसे भी जोड़िए, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए यहां पर हम इसको जोड़ लेते हैं फटाफट। देखिए हमारा चार्जिंग पाइप इसके अंदर जुड़ चुका है, अब हम क्या करेंगे, पंप होगा, देख रहे हैं ना, जो हमारा वैक्यूम पंप होगा इसको हम इस पावर बोर्ड के अंदर लगाने वाले हैं, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसको लगा देंगे और यहां से हमें ऑन करना होगा। वैक्यूम पंप हमारा क्या हो गया, चालू हो गया है, और इस हैंडल को हम यहां से खोलेंगे, अभी हमारा बंद है, ठीक है। तो जो कंपाउंड गेट का हैंडल होगा उसको जब हम खोलेंगे तो आप देखेंगे इसकी जो सुई है माइनस की तरफ जाएगी, देखिए ये जो सुई है ना, देख रहे हैं कि हमारी किधर जा रही है, माइनस 30 के अंदर जा गई है, जो पहले सुई जीरो पे थी, अब हमारी ये सुई किधर जा रही है, माइनस 30 की तरफ जा रही है, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा कि इसका जो इस प्रकार से जोड़ दिए, हमारा वैक्यूम पंप यहां पर चल रहा है, ठीक है। अब हम 15 मिनट तक, ध्यान से समझिएगा, 15 मिनट तक लगातार हम इसका क्या करेंगे, वैक्यूम करेंगे, समझ रहे ना, 15 मिनट तक लगातार वैक्यूम करेंगे, और इसी से वैक्यूम पंप से हमारा। तो चलिए हम क्या करते हैं, 15 मिनट बाद आपसे मिलते हैं और फिर बताते हैं कि 15 मिनट के बाद हमें क्या क्या प्रोसेस करना होता है, ठीक है। तो चलिए हम 15 मिनट के बाद आपको बताते हैं, लगभग हमारा क्या हो रहा है कि 15 मिनट पूरे होने वाले हैं, समझ रहे ना, 15 मिनट हमारा क्या है, पूरा होने वाला है, और अभी वैक्यूम हो रहा है, ठीक है। अभी एक दो चार मिनट बचा है, तो इससे पहले हमने सोचा है कि आपको जो देख रहे हैं ना, कि यहाँ पर जो टर्मिनल वगैरह हमने वेल्डिंग करते वक्त निकाले थे, जंक्शन वगैरह जो निकाले थे, देख रहे हैं ना, इसके तब तक हम कंप्रेसर के अंदर इसको हम क्या करते हैं, लगा देते हैं, समझ रहे ना। यहां से देखिए इसके जो टर्मिनल थे, इसको हमने इसके ऊपर क्या कर दिया, फिट कर दिया, ठीक है। अब हम पीसीबी को थोड़ा सा खोल करके आपको दिखा देते हैं, समझ रहे हैं, इस पीसीबी को हम थोड़ा सा खोल करके दिखा देते हैं कि इसके अंदर होता क्या क्या है, समझ रहे ना, और कैसे हमें पता चलेगा कि हाँ पीसीबी के अंदर लाइट आ चुकी है, ठीक है। तो चलिए हम इसको क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, और ओपन करने के बाद जो ऊपर वाला एक कवर होगा ना, इसको भी हम हटा लेते हैं, ठीक है। देखिए हमने इसको क्या कर दिया है, हटा लिया जो कवर को, तो अब अंदर आप देखेंगे तो इतने सारे तार आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो हमें कैसे पता होगा कि इसके अंदर लाइट पीसीबी के अंदर आ चुकी है, तो इसके अंदर आप देख रहे हैं रेड कलर की एलईडी दिख रही है, जैसे हम प्लग को पावर में लगाएंगे वैसे हल्का सा जो हमारा एलईडी होगा, ये जो हल्का सा एलईडी ऐसे टक से क्या होगा, ग्लो होगा, और तुरंत फिर बुझ जाएगा। अरे जैसे हम पावर को लगाएंगे तुरंत एलईडी हल्का सा ग्लो होगी और फिर बुझ जाएगी। इसके बाद हमारी जो होगी ना, ये जो पावर होगा, जो कंप्रेसर होगा ना, 2 से 3 मिनट बाद स्टार्ट होगा। जब 2 से 3 मिनट बाद हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होगा, तो ये जो एलईडी होगी ना, कंटिन्यू हमारी जलने लगेगी, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा कंप्रेसर क्या हो रहा है, चल रहा है, समझ रहे ना। तो इस सब जानकारी हमने सोचा किससे पहले दे दें। अब हमारी टाइमिंग क्या है, पूरी हो चुकी है, तो अभी देखिए वैक्यूम चल रहा है, तो सर्वप्रथम हमें क्या करना होगा कि कंपाउंड गेज का जो हैंडल होगा ना, सर्वप्रथम इसको हमें ऑफ करना होगा, समझ रहे ना। देखें सुई बिल्कुल -30 के अंदर है, तो सर्वप्रथम हम कंपाउंड गेज के हैंडल को फटाफट क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं, ठीक है। जब कंपाउंड गेज के हैंडल को बंद कर लेंगे, इसके बाद आप देख रहे हैं कि हमारा वैक्यूम पंप को भी यहां से हम बंद कर लेते हैं, ठीक है। वैक्यूम पंप हमारा बंद हो चुका, अब यहां से इसके प्लग को हम निकाल लेंगे, और यहां से इसका जो पॉइंट होगा, चार्जिंग पाइप थी, इसको हमें खोल लेना होगा, समझ रहे ना, इसको हम क्या करेंगे, खोल लेंगे। अब खोलने के बाद यदि आपके पास टाइम है तो 5 मिनट आप क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, जिससे हम देखेंगे कि क्या ये सुई कहीं प्लस की तरफ तो नहीं जा रही है, क्योंकि हमने इसके अंदर प्रेशर नहीं भरा है, डायरेक्ट ज्वाइंट किया है, ज्वाइंट तो हमने एक ही किया है, और डायरेक्ट हमने इसका वैक्यूम करके गैस चार्ज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर हमें पूरा श्योर है कि यहां पर कोई भी ज्वाइंट हमारा लीकेज होने वाला नहीं है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा कि इसके अंदर ये जो चार्जिंग यहां से कंपाउंड गैस से जिस चार्जिंग पाइप को आपने खोला है ना, अब इसके लिए हमारा जो गैस होगा, समझ रहे हैं, जो होगा गैस, इसके अंदर जो गैस हमारी चार्ज होने वाली है, वो गैस हमारी R600 है। कौन सी है? R600, क्योंकि इस कंप्रेसर पे आप देखेंगे ना, यहां पर भी लिखा है कि R600, समझ रहे हैं ना, क्या है, R600 यहां पर दिया गया है। तो इसके अंदर हम R6 जो गैस सिलेंडर होगा, उसके ऊपर जो सिलेंडर वाल्व होगा ना, इसको इसके ऊपर रख करके अब हमें टाइट करना होगा,
देखिए इसके ऊपर रख करके हम अच्छे से क्या कर देंगे, टाइट कर देंगे। अब हमने बढ़िया से टाइट कर दिया है तो R600 गैस को अब जो चार्जिंग पाइप से अपने वैक्यूम पंप से जिस चार्जिंग पाइप को आपने खोला था ना उसके हिस्से को इस वाल्व के अंदर हमें ऐसे लगा देना होगा, समझ रहे ना। ऐसे हम क्या कर देंगे, ऐसे अच्छे तरीके से हमें टाइट कर देना होगा। अब टाइट करने के बाद सिलेंडर को हमें उल्टा करना होगा, सिलेंडर को क्या करना होगा, उल्टा करना होगा। और इसका जो यहाँ पर हैंडल होगा ना, पिन होगा, जो ये हैंडल होगा ऑन ऑफ करने के लिए, एंटी क्लॉक वाइज हमें क्या करना होगा, इसको घुमाना होगा। जब एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे ना तो अंदर इसकी जो पिन है इस वाले पिन को जाकर के दबा देगी, तब गैस हमारी आगे की साइड में जाएगी, समझ रहे ना। देखिए हमारी गैस आगे जा चुकी है। अब देखिए अब हमें क्या करना होगा, यहां से जब हमने गैस को खोला तो हमें इस चार्जिंग पाइप का वैक्यूम करना होगा। देखिए थोड़ा सा मुड़ गया है तो इसको हम थोड़ा सही कर लेते हैं। अब हमें इस चार्जिंग पाइप का क्या करना होगा, वैक्यूम करना होगा। अगर इस चार्जिंग पाइप का आप वैक्यूम नहीं करेंगे तो जैसे पंप था ना, वैक्यूम पंप से जब चार्जिंग पाइप से आप खोले थे तो इसके अंदर सबसे पहले हवा गई होगी, समझ रहे, क्या गई होगी, हवा गई होगी। अगर उस हवा को आप नहीं निकालेंगे तो यहां से आपका वैक्यूम करने से कोई फायदा नहीं है। इस पाइप को जो हवा होगी सिस्टम के अंदर जाएगी और जा करके पूरे सिस्टम को चोक कर देगा और फिर हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, चोक हो जाएगा और इसके अंदर हमारा कूलिंग होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसको हैंडल को खोलने से पहले ये जो चार्जिंग पाइप आपको दिखाई दे रही है ना, यहाँ इस चार्जिंग पाइप का हमें करना होगा वैक्यूम, ठीक है। तो वैक्यूम करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस चार्जिंग पाइप का जो हैंडल के सामने वाला जो गेज होगा, समझ रहे ना, हैंडल के सामने वाला जो गेज होगा यहाँ से हल्का सा हम ढीला करेंगे। जब ढीला करेंगे तो सबसे पहले यहाँ से निकलेगी हवा और इसके बाद यहां से फुहारा की तरह गैस निकलने लगेगी। और जब फुहारा की तरह गैस निकल जाए तो हम समझ जाएंगे इस चार्जिंग पाइप का वैक्यूम हो चुका है, ठीक है। तो चलिए यहां से हम हल्का सा ढीला करते हैं। जब इसको ढीला करेंगे तो देखिए यहां से गैस निकलेगी, देखिए पहले हमारी हवा निकल रही है, अब यहां से निकलेगी गैस, देख रहे हैं ना, गैस निकल रही है ना। तो इस प्रकार से आपको गैस निकलती हुई दिखाई देगी, समझ रहे ना। तो आप समझ जाइएगा कि अगर इस प्रकार से गैस निकल गई तो आप समझ जाइएगा कि आपके जो चार्जिंग पाइप का बिल्कुल वैक्यूम हो चुका है, समझ रहे ना। अब हम इसमें क्या करना होगा, चार्जिंग पाइप का जब वैक्यूम हो गया तो यहां से जो कंपाउंड गेज का हैंडल होगा ना, इसको हम 1 से 2 सेकेंड के लिए हल्का सा खोलेंगे जिससे इसके अंदर गैस जाएगी और इसके अंदर जो प्रेशर भरा हुआ है वैक्यूम करने से उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसके बाद हम अपने जो होगा कंप्रेसर को चालू करके तब थोड़ा थोड़ा गैस को हमें भरना होगा, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसके हैंडल को खोलेंगे। जब आप इसके हैंडल को खोलेंगे ना, नजदीक से हम दिखाते हैं कि इसके जो कंपाउंड गेज की सुई होगी तेजी से ऊपर जाएगी और फिर हमारे नीचे आकर के स्थायी तौर पे रुक जाएगी। तो चलिए हम इसके अंदर का वैक्यूम तोड़ते हैं। देखिए अब हमें इसके अंदर सुई ऊपर गई और यहां से हम फिर हैंडल को बंद कर देंगे, देख रहे ना। अब सुई हमारी जहां माइनस में थी, अब आपको कुछ यहां पर दिखाई दे रहा है कि लगभग 10 PSI के करीब में हमें बता रही है, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा कि अब थोड़ी देर तक इसको हम रख लेते हैं और यहां पर आपका जो PCB होगा, ये जो इसका फ्रिज का मेन लीड होगा, ये फ्रिज का क्या होगा, मेन लीड होगा, इसको हम पावर के अंदर लगाने वाले हैं, ठीक है। जैसे हम इस पावर को यहां पर देखिए, इसके मेन लीड को हम यहां पर लगा रहे हैं, यहां पर हम लगा लेंगे और इसके बाद देखिए, अब यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, अब यहां से ध्यान से देखिएगा कि ये जो LED है हल्का सा अगर टिक से ग्लो कर दिया तो हम समझ जाएंगे कि नहीं, इस PCB के अंदर हमारी लाइट आ चुकी है, ठीक है। तो चलिए हम पावर को चालू करते हैं और आप ध्यान से यहां पर देखिएगा, देखिए हल्का सा एक ग्लो किया ना, तो इसका मतलब है कि इस PCB के अंदर हमारी लाइट आ चुकी है, समझ रहे ना। तो जो हमारा फ्रिज है ना सैमसंग कंपनी का है ना, तो इसकी जो PCB होती है ना, 2 से लेकर 3 मिनट हमारा टाइम लेती है इसको कंप्रेसर को स्टार्ट करने में, ठीक है। तो हमें 2 से 3 मिनट का वेट करना होगा और जब हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा ना, तो इसके अंदर जो LED आपको दिख रही है ये कंटिन्यू क्या होगी, जलने लगेगी। और इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर गैस को हम क्या करेंगे, फिल कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम 2 मिनट रुकते हैं और फिर आपको बताते हैं। तो देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि इसकी जो LED है ना, जो हमने कह रहे थे कि ये बिल्कुल हमारा लगातार जल चुकी है, इसका मतलब हमारा कंप्रेसर चालू हो गया है, समझ रहे ना। देखिए हमारा कंप्रेसर चालू हो गया है और यहां से जो सुई आपको दिखाई दे रहे थे कि 10 PSI भी थी, ये बिल्कुल फिर से माइनस में जा चुकी है, देख रहे हैं ना, इसके अंदर बिल्कुल माइनस में जा चुकी है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम यहां से हैंडल को खोलेंगे और इसके अंदर गैस को हम क्या करने वाले हैं, चार्ज करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए जो हमारा सिलेंडर, इसको हम हाथ में ऐसे पकड़ के रखते हैं, ठीक है।
के रखेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे ना कि R600 गैस है ना, तो R600 का जो रनिंग प्रेशर होता है ना, 0 से 1 PSI होता है। कितना होता है? 0 से 1 PSI होता है। तो जो सुई माइनस में दिख रही है, अगर 0 पे आ जाए तो हम समझ जाएंगे कि हाँ, इस फ्रिज के अंदर आपका जितनी गैस की आवश्यकता थी उतना क्या हो चुकी है? पूरी हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से इसके हैंडल को खोलते हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर हम गैस चार्ज करेंगे। तो चलिए खोलेंगे तो देखेंगे फिर तेजी से गैस जाएगी। देखिए सुई हमारी ऊपर जा रही है, फिर से हैंडल को हम क्या करेंगे? बंद कर देंगे। समझ रहे ना? और बंद कर देंगे तो देखिए सुई हमारा थोड़ा सा ऊपर जा चुकी है, देख रहे ना, और फिर धीरे धीरे हमारे नीचे आएगी। जब ये सुई 0 के करीब में रुक आ जाएगी ना, देख रहे ना, जब किस पे आ जाएगी? 0 के करीब में आ जाएगी, तो हम समझ जाएंगे कि फ्रिज के अंदर जितनी गैस की आवश्यकता है उतनी गैस हमारी क्या है? पूरी हो चुकी है। समझ रहे ना? तो ऐसा करके हम 3-4 बार हैंडल को खोलेंगे थोड़ा थोड़ा करके, और इसके बाद यहां से आप देखेंगे कंप्रेसर को भी ऐसे टच करते रहेंगे, और यहां पर आपको पता चल जाएगा कि हमारा कंप्रेसर क्या हो रहा है? चल रहा है। समझ रहे ना? हमारा कंप्रेसर क्या हो रहा है? चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम क्या करते हैं, इसको हैंडल को खोलते हैं। देखिए जब आप खोलेंगे तो इसकी सुई ऊपर जाएगी, फिर यहां से आप बंद कर देंगे इसको कंफर्टेबल तौर पे। समझ रहे ना? तो इसमें फ्रिज में गैस चार्ज करना बहुत बड़ी बात नहीं होता है, चाहे 600 गैस हो, चाहे 134 गैस हो, चाहे किसी भी फ्रिज में आप गैस चार्ज करते हैं, तो सबका जो प्रोसेस होता है ना, सेम टू सेम होता है। समझ रहे ना? यदि आप वैक्यूम करके गैस चार्ज करना चाहते हैं तो इस प्रकार से बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसके अंदर आप ध्यान से आप देखेंगे तो जो सुई है ना, लगभग लगभग हमारी 0 में पहुंचने वाली है। समझ, 0 PSI पे क्या होने वाली है? पहुंचने वाली है। और इतने में आप देखेंगे फिल्टर भी हमारा हल्का हल्का गर्म हो रहा है, और यहां पर देखिए इसकी जो डिस्चार्ज लाइन है बेहतरीन तरीके से यहां पर गर्म हो रही है। इसको आप महसूस कर सकते हैं, दिखाई तो हम देगा नहीं, तो इसीलिए देख रहे हैं कि बेहतरीन गर्म हो रही है। और इसकी जो सुई है ना, देखिए बिल्कुल हमारी 0 के करीब में आ चुकी है। तो सर्वप्रथम हमें क्या करना होगा, देखिए सर्वप्रथम हमें करना क्या होगा कि इस पाइप के अंदर जो येलो कलर की जो पाइप है ना, जो गैस सिलेंडर से हमारी अटैच है, देख रहे ना, गैस सिलेंडर से जो अटैच है, अब इसको हम यहां से ऑफ कर देंगे। इसको हमें क्या करना होगा? ऑफ करना होगा। ऐसे हम घुमा करके इसको खोल लेंगे और हमारी पाइप ऑफ हो गई, इसके अंदर से गैस नहीं आएगी। तो हमें जो चार्जिंग पाइप की जो गैस होगी ना, इसको हमें वेस्टेज नहीं करना, इसको अंदर की साइड में हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। जब अंदर की साइड में छोड़ देंगे तो इसमें आप देख रहे होंगे कि इसका थोड़ा सा 0 PSI से हमारी गैस कम है, तो गैस अंदर जाएगी और बराबर तौर पर इसके अंदर जाकर के कंफर्टेबल तौर पर पूरी की पूरी गैस आ जाएगी, हमारी गैस खराब होने से भी बच जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसको खोलते हैं। देखिए जब हमने इसको खोल दिया तो पूरी की पूरी इस पाइप की जो गैस थी ना, बिल्कुल कंप्रेसर के अंदर जा चुकी है अपना। अब यहां से हम इसके हैंडल को बिल्कुल क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। और बंद करने के बाद इसको हम नीचे की साइड में रख लेते हैं, और यहां से जो आपका सिलेंडर होगा ना, यहां से बड़ी आसानी से आप खोल करके अलग कर लेंगे। देख रहे ना, यहां से हम इसको क्या कर देंगे? खोल करके अलग कर लें, और कोई भी गैस हमारी नहीं निकल रही है। ठीक है, अब चाहे तो यहां से जो चार्जिंग पाइप है ना, एक चार्जिंग पाइप को भी यहां से आप निकाल सकते हैं। देखिए हमने इस चार्जिंग पाइप को भी बिल्कुल क्या कर दिया है? निकाल दिया है, और इसके अंदर देख रहे हैं कि लगभग गैस जितनी चाहिए थी उतना लगभग हमारी क्या है? पूरी हो चुकी है। ठीक है, इससे पहले हम आपको क्लैंप मीटर की बात किए थे ना, कि इसको भी हमने रखा था, तो इसको भी हम क्या करते हैं कि देख लेते हैं कि हमारा जो फ्रिज है कितना लोड ले रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इसको है ना, तो इस क्लैंप मीटर को हम 20 एम्पियर पे सेट करेंगे। तो इसको हम घुमा करके लेकर जाते हैं, और एम्पियर वाले 20 एम्पियर पे हमने क्या कर दिया? सेट कर दिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो आपका फ्रिज का जो मेन लीड होगा, देखिए जो मेन लीड है ना, इसमें न्यूट्रल फेस के दो तारों में से किसी एक में हमें लगा देना होगा। समझ रहे ना, दो तारों में से किसी एक में हम क्या करेंगे? लगा देंगे। और लगाने के बाद देख रहे हैं कि इसके अंदर हमारा 0.6 एम्पियर हमारा जो हो रहा है कि फ्रिज लोड ले रहा है। समझ रहे ना, कितना ले रहा है? 0.6 एम्पियर के करीब में हमारा ये लोड ले रहा है। और इसकी जो सुई है लगभग लगभग यहां पर आप देखेंगे तो 0 से 1 लगभग 0 के करीब में आ चुकी है। अब देखिए इसके बाद यहां पर आप देखेंगे तो इसका जो कंडेंसर है ना, इसके जो डिस्चार्ज लाइन है बेहतरीन तरीके से गर्म हो रही है, और फिल्टर वगैरह कैपिलरी सब गर्म हो रहा है। समझ रहे ना, और पीछे की साइड में आप देखेंगे तो इसकी जो बॉडी होगी, देखिए ये जो कंडेंसर होता है ना, पीछे से गर्म नहीं होता है, ये पीछे से गर्म नहीं होगा, जल में गर्म होगा। तो साइड में देख रहे हैं इसकी बॉडी बिल्कुल हमारी गर्म हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद हम अंदर में आपको लेकर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर कूलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है,
तो चलिए हम इसका जो अंदर का साइड है इसको हम खोलते हैं और इसके बाद एवापोरेटर की तरफ जाते हैं। ठीक है, एवापोरेटर के अंदर देखिए कितना जबरदस्त कूलिंग आ रही है, समझ रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त। यहाँ पर हाथ देखेंगे तो इसके अंदर हाथ का ये जो आपको दिखाई दे रहा है नमी दिखाई दे रही है हाथ पे ना, ये एवापोरेटर की नमी यानी कि कितना बेहतरीन तरीके से ठंडा कर रहा है। अब इसको हमें चेक करवाने के लिए हमने एक ठो आपको मीटर रखा है, उस मीटर को लेकर आते हैं। तो देखिए हमारे पास ये टेम्परेचर मीटर है, इसी से हम क्या करने वाले हैं कि चेक करने वाले हैं कि आपके जो फ्रिज के अंदर कितने टेम्परेचर है। तो सबसे पहले हम इसके कंडेंसर के टेम्परेचर को दिखाते हैं। तो देखिए यहां पर हम जब लेकर आएंगे ना तो इसका जो पॉइंट होगा यहां पर हम रखेंगे, जब यहां पर रखेंगे कंडेंसर के टेम्परेचर को बता रहा है कि हाँ कंडेंसर का जो टेम्परेचर है ना धीरे धीरे हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब इसके अंदर हम एवापोरेटर में लेकर चलेंगे ना तो इसका सीधे उल्टा हो जाएगा, समझ रहे ना। तो चलिए हम एवापोरेटर के अंदर इस लेकर चलेंगे और इसी टेम्परेचर को आपको दिखाएंगे। तो अब हमारा टेम्परेचर क्या होगा, घटने लगेगा, देख रहे ना, टेम्परेचर हमारा क्या होगा घटने लगेगा। देखिए अब हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है, 33 आ गया, 32 आ गया, देख रहे ना। अब इसको हम थोड़ी देर तक इसके अंदर बंद कर देते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि कितना इसका टेम्परेचर दिखा रहा है। देखिए समझ रहे हैं, बिल्कुल हमारा कितना आ गया है, 8 से 7 देख रहे हैं, इसमें घटता ही जा रहा है, समझ रहे ना। तो इसका जो टेम्परेचर होगा देखिए बिल्कुल हमारा घटता जा रहा है, इसके अंदर जब सामान रखेंगे तो बेहतरीन तरीके से हमारा क्या कर देगा, कूलिंग करेगा। तो जो टेम्परेचर मीटर होता है ना इससे आप क्या कर सकते हैं, फ्रिज के ऑपरेटर की कूलिंग देख सकते हैं कि हमारा जो फ्रिज होता है कितना टेम्परेचर पे ठंडा कर रहा है, समझ रहे ना। तो इस प्रकार से इसके टेम्परेचर को आप चेक कर सकते हैं। तो आपने देखा कि फ्रिज के अंदर किस प्रकार से गैस चार्ज किया जाता है। तो चलिए हम पीछे चलते हैं और इसके बाद यहाँ पर हमें क्या प्रोसेस करना होगा। तो इसका एम्पियर देख रहे हैं 6 ले रहा है, ठीक है। अब हमें करना क्या होगा कि यहाँ से इसकी जो चार्जिंग पाइप होगी, यहाँ से जो आपने चार्जिंग पाइप लगाया है इसको हम यहाँ से खोल लेंगे, क्योंकि गैस हमारी लगभग क्या हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। क्लैंप मीटर को हम थोड़ा साइड करते हैं और यहाँ से जब हम इसको खोलेंगे तो इसके ऊपर का जो एक कवर होगा ना, ये जो कवर होगा इसको हम लगा देंगे। चलिए यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा आराम से पकड़ के खोलते हैं। देखिए यहां से हमने खोल लिया, अगर ये निकल रही है तो इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर की जो पिन होगी ना इसको इसके अंदर लगाएंगे और हल्का सा इसे टाइट कर देंगे, ठीक है। टाइट कर देंगे तो यहां से गैस नहीं निकलेगी और फिर इसके ऊपर का जो कवर होगा इस प्रकार से हमें क्या करना होगा, लगा देना होगा, समझ रहे ना। तो देख रहे हैं कि इसके अंदर गैस हमारा जो प्रोसेस था वो बिल्कुल क्या हो चुका है, रेडी हो चुका है। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि सब कुछ चल रहा है, यहां से इसके प्लग को निकालेंगे और पीसीबी जहां लगी थी वहां पर हमें क्या करना होगा, सेट कर देना होगा, समझ रहे ना। तो आपने देख लिया कि इन्वर्टर फ्रिज के अंदर वैक्यूम करके एनआरबी लगा करके गैस चार्ज करने का प्रोसेस क्या होता है, समझ रहे ना। तो अगर आपको भी अगर गैस चार्ज करना हो फ्रिज में तो इस वीडियो को आप देखेंगे तो बड़ी आसानी से आप क्या कर सकते हैं, गैस चार्ज कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।